सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में वेदों में मन का क्या स्वरूप है इस संदर्भ में चर्चा हो रही है और बहुत ही सुंदर जो इसमें हमको समझने का सीखने का जीवन और जगत के कल्याण का जो आधार है उस पर हम विचार कर रहे हैं मन क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक बहुत अनमोल और बहुत सुंदर साधन है कर्म की जो है स्थिति को कर्म को करने के लिए लेकिन यदि मन पर हमारा नियंत्रण नहीं तो मन इधर उधर भटकाता रहता है संसार के भोगों के संसार के रोगों के चक्कर में ही पड़ कर के हम फंस जाते हैं और फिर जीवन हमारा निरर्थक चला जाता है हम कोई भी व्यक्ति इस जीवन में घाटे का सौदा नहीं करना चाहते हैं मनुष्य जीवन यही है कि अपने जीवन को महान बनाए और इस जगत को भी महान बनाए लेकिन यह अनजाने में या ये कहें कि मनमाने ढंग से जीने में हम भूल जाते हैं भटक जाते हैं समझ नहीं पाते हैं और कब समझते हैं जब जीवन खत्म हो जाता है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब शरीर के हर पुर्जे में जंग आया क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया ऐसा लोग कहते हैं तो हम इस तत्व पर इस तथ्य पर इस बिंदु पर चर्चा करें समझें जाने और जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें तो हम चर्चा कर रहे हैं मन के ऊपर ऋग्वेद के दसवें मंडल के अट्ठावनवें सूक्त पर हम चर्चा कर रहे हैं सातवें मंत्र तक हमने चर्चा की थी जिसमें सातवें मंत्र में कहा था कि मन हमारा केवल खाने पीने की चीज़ों में न लगा रहे मन सदा खान पान की वस्तुओं में ही भटकता न रहे क्योंकि यदि उस पर हम भटके रहेंगे केवल उस पर ही अटके रहेंगे रसना पर ही अटके रहेंगे स्वाद पर ही अटके रहेंगे तो कर्तव्य से हम भटके रहेंगे कर्मों का अनुष्ठान ठीक ठीक नहीं हो सकेगा कर्म के अनुष्ठान में हम केंद्रित नहीं रह सकते हैं हम मन को केंद्रित करें उसके लिए और सुंदर बात कही है कि मन को ऐसा न कहें यत्ते सूर्यम यद उस सम् मनोजगा मधूरकम तत् आवर्तया मसीह क्षयाय जीव से मन को इस प्रकार से ना बनाएं कि यह सुबह होगी बहुत सुंदर बात कही आठवें मंत्र में यत्ते सूर्यम यद उषसम मनोजगाम मनोजगा मदूरकम तत् आवर्ताया मसीह क्षयाय जीव से ये मन तेरा जो है सूर्य की ओर और उषसम उषा की ओर दूर दूर तक जाता है कभी सूर्य का ध्यान करता है कभी उषा का ध्यान करता है तेरे मन को यहाँ क्षयाय जीवन के प्रस्तुत कार्यों के निवास के लिए लौटाते हैं जीव से जीवन जिससे आपका श्रेष्ठ हो मन दीर्घ व उत्तम जीवन का कारण बने सूर्य उषा काल के सोचने का भाव यह है कि मन इस रूप में सोचा करता है विचार करता है कि प्रातः काल क्या बनेगा क्या खाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे और सायंकाल क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा कहाँ जाऊंगा किससे मिलूंगा किससे सुख लूंगा किस में मज़ा लूंगा ये जो चर्चा है या ये मन का जो भाव है कि सुबह आज शाम को तो हमने खा लिया सुबह क्या बनाएंगे पहले से ही नीति पहले से ही कि कहाँ सैर सपाटे के लिए जाएंगे और मन को इधर उधर भटकाते रहेंगे यह जो भावना है मन को इस प्रकार से सोचने से रोक करके कर्तव्य कर्म में लगाना ठीक होगा हाँ जिसका कर्म है बनाने खाने का जिसका कर्तव्य है जैसे माताओं का या तो उनका विचार होना ही चाहिए कि आज क्या बना है कल क्या बनेगा या सात दिन या एक महीने का क्या आ, जो है भोजन की सारणी रहेगी वो तो लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं कि आज तो ये खाया कल ऐसा खाएँगे वैसा खाएंगे और इसी में फिर व्यक्ति को जो है इसी में भटकता रहता है फिर वो कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा इसी प्रकार से ये कहा कि मन को हम निरुद्ध करें मन को अच्छा बनाएं भटकते हुए मन को इधर उधर ना ले जाएं जो भटकता है मन खान पान में अटकता है उससे बचाए तो नवे मंत्र में कहा कि यत्ते पर्वतान बृहतो मनोजाम क्षयाय जीव से ये जो तेरा मन है ना ये पर्वतान इस उच्च श्रृंग वाले बड़े बड़े पर्वतों की ओर दूर दूर तक जाता है उस मन को आवर्तया मसीह लौटाते हैं जिससे इसे जो है यह क्षयाय वह यहाँ अपने क्रियमाण कर्म में ही निवास करे जो कर्तव्य कर्म है उसमें निवास करे इधर उधर मत जाए उत्तम जीवन के लिए हमारा मन पहाड़ों में जो जाता है भटकता है पहाड़ों की ऊंची-ऊंची चोटियों की ओर जाता है इस मन को हम निरुद्ध करें अपने कर्तव्य कर्मों में ही स्थिर करना चाहिए इसका आशय क्या इसका आशय ये है कि कभी कभी मन तो बहुत ही उच्च शिखर पर चला जाता है अब वेद मंत्र लिख देता हूँ बहुत सुंदर छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन बहुत ही अच्छे मंत्र हैं ये इनको जरूर स्मरण करना चाहिए ओम यत्ते पर्वतान बृहतो यत्ते पर्वतान बृहतो मनोजगाम दूरकं यत्ते पर्वतान पर्वता मनोजगा तत्त आवर्तया मसीह। वर्तया मसीह जीव जीवसे ऋग्वेद के दसवें मंडल के अठावनवें सूक्त का यह नव मंत्र है ओम ओयत्ते पर्वतान बृहत मनोजगाम दूरकम तत् आवर्तयाम सिंह क्षयाय जीवसे बहुत सुंदर बात कही है कि जो मन हमारा इधर उधर भटकता रहता है तो यह उपदेश है कि जो तेरा मन बृहतः पर्वतान जो ऊंचे-ऊंचे पर्वत हैं श्रृंग वाले जो पर्वत हैं वो दूर दूर तक उनमें जाता है और इस प्रकार से हम उसको लौटाते हैं क्यों लौटाते हैं जिससे तेरा कल्याण हो जिससे तेरा कर्तव्य कर्म जिससे तेरा स्वधर्म जिससे इस जीवन और जगत का कल्याण हो इसलिए ये मन केवल ऊपर पहाड़ों पर पर्वतों पर जाता है जिससे अपने कर्तव्य से भटक जाता है इसको नीचे लाना पड़ेगा उत्तम जीवन बनाने के लिए पर्वतों की चोटियों में भटकने वाले इस मन को हमको निरुद्ध करना चाहिए निरुद्ध करना ही पड़ेगा पर्वतों की चोटियों पर विचरण का तात्पर्य क्या है मन का यह मन उल्लू का पट्टा है मन बड़ा चंचल है मन वायु से भी ज्यादा वेगवान है यह कभी कभी इतनी ऊंची ऊंची बातें सोचता है मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा मैं ये बन जाऊंगा मैं वो बन जाऊंगा और जब केवल व्यक्ति विचार करता है पहाड़ों पर जैसे गगनचुंबी पहाड़ हैं और उन पर वो यात्रा कर रहा है ऐसे ही ये मन के जो भटकाव है मन के जो विचार हैं व्यक्ति को अपने जो अभी कर्म कर रहा है वर्तमान में पढ़ना पढ़ाना या जो भी कर्म है कृषि कार्य है या जो है आ, कोई ऑफिशियल वर्क है कोई भी कर्म है और व्यक्ति उसमें कर्म छोड़ करके केवल मन ही मन ऐसा करूंगा मैं ऐसा बन जाऊंगा वैसा बन जाऊंगा मैं जो है सीएम बन जाऊंगा मैं पीएम बन जाऊंगा राष्ट्रपति बन जाऊंगा मैं ये करूंगा वो करूंगा ये क्या है ये बड़े बड़े जो है ख्वाब देखने बड़े बड़े अरमान रखना बड़े बड़े जो है केवल मन में विचार करना कर्म नहीं करना कर्म एक ढेला भर का नहीं कार्य छोटा सा भी नहीं कर पाते घर परिवार को नहीं संभाल पाते और ऐसे देश को संभालने की चर्चा करते हैं अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है मन पर नियंत्रण नहीं है घर परिवार पर नियंत्रण नहीं है और देश और दुनिया पर नियंत्रण करना चाहते हैं ये क्या है इससे हमारा स्वयं का भी और इस संसार का भी कभी हित नहीं हो सकता कभी कल्याण नहीं हो सकता है कल्याण कैसे होगा कल्याण होगा अपने जीवन को इस जगत के कल्याण के लिए वेद के अनुसार चलना वेद का उपदेश आदेश संदेश जीवन में उतारना तो इस प्रकार से इस मन को निरुद्ध करके अपने कर्तव्य कर्मों में ही स्थिर करना चाहिए अपने कर्तव्य कर्म में ही लगना चाहिए और इस प्रकार से केवल ऊंची-ऊंची बातें करना ऊंचे-ऊंचे ख्वाब देखना सपने देखना सपना देखना या संकल्प करना मन में अच्छा बनना बड़ा बनना ये अहितकारी नहीं है हितकारी ही है लेकिन उसके लिए वैसा कर्म भी तो करना चाहिए जब हम कर्म करेंगे तो स्वतः ही बन जाएंगे लेकिन कुछ लोग कर्म ना करके केवल विचार करते हैं केवल जो है मन ही मन बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं तो ऐसे कैसे उत्थान होगा इसलिए इस मन को रोकना पड़ेगा और इसी प्रकार दसवें मंत्र में भी यही चर्चा की है ओम यत्श मिदम जगन मनोज दूरकम् तत्त आवर्तया मसीह क्षयाय जीव से यत् जगन मनो जगाम दूर तत्त आवर्तया मसीह क्षयाय जीव से भटकते हुए मन का निरोध ही सफलता की कुंजी है बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो मन तेरा जो मन है ना इदम विश्वम जगत इस संपूर्ण संसार में दूरकम जगाम ये दूर दूर जाता है तेरे मन को आवर्तया हम लौटाते हैं इह यह क्षयाय जिससे यह यहाँ की जो निवास व गति के लिए हो जीव से जीवन रक्षा के लिए जीवन को दिव्य बनाने के लिए हो भटकता हुआ मन किसी भी कार्य को सुंदरता व सफलता से नहीं कर सकता है नहीं कर पाता है सफलता नहीं दिलाता है इसका निरुद्ध करना और कर्तव्य कर्म में लगाना आवश्यक है अपने कर्तव्य कर्म में जब इसको हम लगा देंगे तो स्वतः ही यह शांत हो जाएगा एकाग्रता से ही उस दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो हमें जीवन में सफलता दिलाती है हमको सफल करती है हमको सक्सेसफुल करती है हम विफल नहीं होते हम यदि जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए यही आवश्यक है कि हमको जीवन और जगत का जो कल्याण है उस कल्याण में अपने मन पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा और बहुत सुंदर बात कही है कि उस प्रभु का गुणगान करने से ही हम जीवन और जगत का कल्याण कर सकते हैं मन पर नियंत्रण पा सकते हैं क्योंकि जब तक मन का जो नियंत्रण है वो नहीं होगा तो कैसे कल्याण होगा मन को हम प्रभु में लगाएं और ये संसार की जो कमाई है ये संसार का जो वैभव है जो भौतिक कामनाएं हैं ये भौतिक कामनाएं भौतिक वासनाएं हमको पतित करती हैं हम इनमें ना उलझें हम ऐसी कमाई करें जो हमारे साथ जाने वाली हो ऐसा मन को लगाएं क्योंकि यहाँ यदि धन में मन को लगाते हैं संपत्ति में मन को लगाते हैं किसी वस्तु में व्यक्ति में किसी स्थान में मन को लगाते हैं तो वो तो सब यहीं रह जाने वाले हैं शमशान तक जाने वाले हैं कुछ चीज़ें और शमशान के बाद तो कुछ भी नहीं जा सकता है इसलिए हम मन को स्थिर बनाते हुए जीवन और जगत का कल्याण करे बहुत सुंदर बात कही है कि ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह हमें कुछ काम आ सके ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह हमें कुछ काम आ सके संसार में आता कोई साथी नजर नहीं बस नाम के है साथी है ये साथी मगर नहीं संसार में आता कोई साथी नजर नहीं बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके पापों में सदा मन को लगाते चले गए बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए पापों में सदा मन को लगाते ही चले गए बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए लेकिन कभी न धर्म को अपना सके यहाँ लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह हमें कुछ काम आ सके दुनिया की चका चौंध में जीवन बिता दिया जीवन बिता दिया अनमोल रतन पाक भी यूं ही गवा दिया यूं ही गवा दिया दुनिया की चका चौंद में जीवन बिता दिया अनमोल रतन पाके भी यूं ही गवा दिया मानव वही है इसका जो लाभ उठा सके मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो चिंतन से काम लो चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके संभव है पथिक, आप के बंधन छुड़ा सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके तो हम अपने संपूर्ण जीवन को क्योंकि यह बार बार मिलता नहीं है ये शिक्षा हमको वेदों से मिल रही है कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें क्योंकि मन यदि हमारा ठीक नहीं होगा तो जीवन कैसे ठीक हो सकता है और उस प्रभु से हम अपने आप का संबंध जोड़ें, तभी कल्याण होगा ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ प्रातः सायम संध्या कर ले वेद जान जीवन में भर ले शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ बिन ईश्वर के जाने माने दूध और पानी के नछाने वृथायतन करोड मानव ईश्वर से संग ईश्वर से संग जोड मानव विषयों से मुख मोण अविद्या नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से, से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ उद्यम कर ले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि उद्यम कर ले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ क्यों फिरता है मारा मारा ईश्वर काले पकड़ सहारा यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ अब भी तू जो चेत न पाया तो फिर तुझको ये जग माया देगी गीतो मरो मानव ईश्वर से संग सङ्गो विषयों से मुख मोड़ मानव ईश्वर से संग सङ्गोड ईश्वर से संग सङ्गो ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः